बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त का अपडेट मैं आपको ज़िला बड़गाम से दे रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज सुबह सुबह NIA की कार्रवाई जो है फिर से स्टार्ट हुई है ज़िला बड़गाम में। अगर हम देखें तो ज़िला बड़गाम के कई मुकामात पर आज NIA ने रेड डाली, और इसमें फालसला की बात करें या चाड़ूरा इलाके की बात करें, सोईबुक इलाके की बात करें या जवलापुरा की बात करें, तो वहाँ पर इस वक्त NIA की रेड जो है वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। मैं आपको बता दूं कि G20 को लेकर तहकीकाती एजेंसी ने कुछ दिनों से पहले ये जो क्रैकडाउन है जारी रखा, और फिलहाल ये क्रैकडाउन अभी जारी रखते हुए तहकीकाती एजेंसी ने कई जगहों पे आज कई मकामात पे आज NIA ने फिर से रेड डाली, और रेड में फिलहाल तलाशी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। फिलहाल ये बताना मुश्किल है कि कहाँ किसके पास क्या है, क्या किस लिए ये रेड्स डाली गई है, मगर ये जो रेड्स है फिलहाल इस वक्त ज़िला बड़गाम में आपको ये खबर दे रहा हूँ। ज़िला बड़गाम के बहुत सारे मुकामात पर, चाहे हम चाड़ूरा की बात करें, जवालापुरा की बात करें या वडवन सेबू के इलाके की बात करें, तो वहाँ पे भी इस वक्त रेड जो है वो जारी है। फिलहाल आपको मैं बता दूँ कि बड़गाम के कई गाँव में NIA की तरफ से जो रेड डाली गई है, रेड फिलहाल इस वक्त चल रही है, रेड जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकारान भी साथ है और CRPF के मदद से भी कश्मीर में ये जो रेड्स है ये डाली जाती है। अगर हम बात करें हांजूरा गांव के एक रिहायशी को भी इसमें रेड डाली गई, और फिलहाल जवालापुरा में भी एक रेड डाली गई, और फालसला में भी एक रेड फिलहाल डाली गई है। मजीद विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से NIA जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई है, और ये जो G20 इजलास कश्मीर में होने जा रहा है, अब उस हवाले से ये जो क्रैकडाउन लगाए जा रहे हैं NIA की तरफ से, वो फिलहाल जारी है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।